मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उज्जैन में धार्मिक न्यास एवं धर्मस्थ संचालनालय कार्यालय का शुभारंभ कर सभी को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज के दिन नया अध्याय लिखा जा रहा है। धार्मिक न्यास एवं धर्मस्थ संचालनालय का कार्यालय उज्जैन में खोला जा रहा है। बाबा महाकाल के महालोक की तरह सलकनपुर, ओरछा, दतिया और ओंकारेश्वर के देव स्थानों पर विकास के नए कार्य किए जाएंगे। मंदिर से जुड़ी हुई देव स्थानों की भूमि अलग अलग स्थानों पर है। इन भूमियों का बेहतर प्रबंधन हो इसके लिए ये कार्यालय बड़ी भूमिका अदा करेगा। संचालनालय का कार्यालय खुलने के साथ हमने निर्णय किया है कि भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के चरण प्रदेश के जिन स्थानों पर पड़े हैं वे स्थान तीर्थ के रूप में विकसित किए जाएंगे। साथ ही हमारी सरकार ने बजट में 500 करोड़ रुपए की राशि उज्जैन में सिंहस्थ के लिए जारी की है। उज्जैन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उज्जैन में लगातार बढ़ रही दर्शनार्थियों की संख्या को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से सभी पदों के साथ दो नए थाने खोले जाएंगे। एक थाना बाबा महाकाल महालोक के नाम से जाना जाएगा, दूसरा थाना इंदौर रोड पर तपू भूमि के पास खोला जाएगा। महाकाल महालोक की सुरक्षा व बेहतर प्रबंधन की दृष्टि से जिला प्रशासन की मांग के आधार पर होम गार्ड जवानों की नियुक्ति होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन के नागदा में आयोजित रक्षाबंधन एवं श्रावण उत्सव कार्यक्रम में सहभागिता कर बहनों को पावन पर्व रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। इस दौरान मुख्यमंत्री जी ने बादीपुरा आजादपुरा में लाडली बहना श्रीमती आशा बोरासी और श्रीमती अनीता बोरासी के घर पहुंचकर राखी बंधवाई। उज्जैन जिले के खाचरोद में आयोजित रक्षाबंधन उत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को लाडली बहनों ने राखियां बांधकर अभिनंदन किया। श्रावण माह के अंतिम सोमवार के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर में बाबा महाकाल के दर्शन एवं पूजन कर प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। मुख्यमंत्री जी भगवान श्री महाकाल महाराज की पंचम सवारी में भी सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन स्थित रामघाट पर बाबा महाकाल की भव्य सवारी की श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ पूजा अर्चना कर जगत के मंगल एवं कल्याण की कामना की। आज उज्जैन में खाचरोद के ग्राम चिरोला फंटा स्थित निजानंद जी धाम पहुंचकर मुख्यमंत्री जी ने भगवान शिव का अभिषेक व पूजा अर्चना कर प्रदेश के कल्याण की कामना की। मुख्यमंत्री जी ने आश्रम में पूज्य संत ब्रह्मलीन श्री श्री 1008 स्वामी निजानंद जी महाराज के गादी स्थल पर पूजा कर आरती भी उतारी और आश्रम में आयोजित भंडारे में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से आज छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने भेंट की। इस अवसर पर विभिन्न समसामयिक विषयों पर सार्थक चर्चा हुई।